kasi yung pagkakalagyapan ng kundabante na natin makayabot. Ito, hapkot kasi pa. Dekhiye, pichle vars, bhai Rampal ji, हमें फोन करके कहा कि गुरुजी बोरीवली आप आइए, यहाँ माँ का नौ कुंड नौ दुर्गाओं का यज्ञ करना है। मैं राम भाई पाल जी की बात सुनकर के इतना खुश हुआ कि इस कलिकाल में जहाँ कली का युग आ गया है, कल कल जीवन भटक रहा है, इन्होंने यज्ञ के लिए हमको बुलाया। आज तक ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ कि ऐसा चल करके बुलाए कि यज्ञ करना है। वैदिक परंपरा संस्कार को लोगों को बताना है कि हमारी संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो पिछले साल भाई रामपाल जी ने कहा यहाँ तो गरबा जगह जगह होता है, गरबा भी होना बहुत अच्छी बात है, पर जो पाश्चात्य सभ्यता का जो समावेश हो चुका है, हावी हो गया हमारी संस्कृति पर, संस्कार पर, इसको थोड़ा सा बताने के लिए भाई रामपाल जी ने बताया, बुलाया। पिछले साल तो गरबा भी हुआ था, पर इस वर्ष केवल यज्ञ, परिक्रमा करना, भंडारा करना, भक्तों को प्रसाद खिलाना, माँ की आरती करना, यजन करना, पूजन करना, नौ का नौ दिन नौ दुर्गाओं की पूजा करना, 108 कन्याओं का पूजन करना, कन्या पूजन। आज हम लोग कहते हैं कन्या का पूजन करो, कन्या को पढ़ाओ, कन्या देश बढ़ाओ, और भाई रामपाल जी ने ये करके दिखा रहे हैं, यज्ञ में कन्याओं की पूजा करके। और ये देशवासियों को ये संदेशा देना चाहते हैं कि कन्याओं को पूजा करो, उनको पढ़ाओ, उनका आदर करो, भ्रूण हत्या मत करो, कन्याओं का अनादर मत करो। इन्होंने पिछले साल भी ऐसा किया, इस साल भी करा रहे हैं, और संकल्प ले रहे हैं कि जब तक जीवन रहेगा भगवती की कृपा बनी रहेगी, तन मन की शक्ति रहेगी, इस तरह का आयोजन होता रहेगा। इन्होंने पर्यावरण की शुद्धि के लिए आज पहला राम भाई जी पाल आए और हमें पानी का बोतल बढ़िया सा सुंदर लाए शीशे का। उन्होंने कहा आज से ही प्लास्टिक का यहाँ परहेज किया जाए, ऐसा आपका संकल्प है। यज्ञ के द्वारा संस्कृति और संस्कार को लाना, देश को समृद्धशाली और विश्व गुरु बनाना, ये हमारे साक्षात फाउंडेशन भाई रामपाल जी का और केरकर चैरिटेबल ट्रस्ट का ही संकल्प है। बोलो जय माता दी। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो अपने धर्म से, संस्कार से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं, तो ये जो ट्रस्ट है इसको वैदिक परंपरा का यज्ञ करना, पूजन करना, छोटे छोटे जो परिक्रमा लगा रहे हैं बच्चे, ये उनको संस्कार देना, माता पिता का उनका आदर करना, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भाई रामपाल जी और उनके मित्रगणों के द्वारा जो ये संकल्प किया है, इसको लगता है कि मैं भी तन मन धन से इनके साथ होकर के अपने जीवन को सफल बनाऊँ, पर्यावरण की शुद्धि। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से कह करके पूरे विश्व को बताया कि हमें आजकल प्लास्टिक से परहेज करना है, देश को बचाना है, विश्व गुरु बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, ये काम भाई रामपाल जी वैदिक परंपरा के द्वारा, योग यज्ञ और आयुर्वेद के द्वारा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बोलो अम्बे मात की जय। कितने सालों से रखा गया बोरीवली में उत्तर मुंबई जिले में, दो वर्षों से हो रहा है और कुछ वर्ष पहले हुए थे, फिर अभी यहाँ पर लगातार दो वर्षों से केरकर के साथ मिलकर मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ये नौ कुंड बने हैं, ये नौ कुंड नौ तरह के हैं, संतान प्राप्ति और धन प्राप्ति और आरोग्य प्राप्ति, ऐसे नौ कुंडों की महिमा है और जो वहाँ दिखाई गई है, गुरुजी आचार्य जी ने दिखाया है। और मैं आज अपने मित्रों को, अपने लोगों को एक निवेदन और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम आपको भगवान आपको ऐसा अंगूठा दिखाएंगे तो कैसा लगता है, बुरा लगता है? तो ये हाथ जोड़ने में ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए। अब हम ऐसा हाथ जोड़ते हैं तो हम भगवान को दो दो अंगूठा दिखाते हैं तो हमें क्या लाभ होगा? आचार्य जी ने मुझे सिखाया है, मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि अंगूठा ऐसा करके प्रणाम करना चाहिए तो भगवान को, अभी ऐसा करने से अपना सर झुकता है और ऐसा करने से सर उठा होता है। तो अभिमान करके आप भगवान को दिखाओगे कि नम के दिखाओगे? ये आज का मैसेज है। आज चंद्रघंटा माता का तीसरा दिन है तो आज यही मैं जनता जनार्दन को मैसेज देना चाहता हूँ।